सो गाइस वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ अ विजय हेयर और आप चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे द यूएस हिजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड नाउ दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आप अगर हमारे साथ यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी चीज़ों के साथ भी हमारे साथ ज्वाइन हुएँ ताकि आपको काफ़ी जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं इनसे रिगार्डिंग में वो आपको समय समय में मिलती रहे। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हमने वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट के अंदर वो सारे ऑपरेशन देखने की कोशिश करी थी जिन ऑपरेशंस में अमेरिका जो था अपनी मेन पावर अपनी मेन डोमिनेंस को दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच और उसके साथ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। एंड नाउ इन दिस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो था वो क्या था, है ना, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि एट प्रेजेंट टाइम अमेरिका का जो डोमिनेंस है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका डोमिनेंस देखने को मिलता है, वो किस हिसाब से है। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इराकी इन्वेजन। इसको इराकी इन्वेजन के नाम से जानते हैं और इसको चलाया गया था, ऑपरेशन लॉन्च किया था इराकी फ्रीडम के नाम से अमेरिका के द्वारा, यूएस के द्वारा, जो उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो 19 मार्च 2003 में चलाया गया। इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि यूएस के साथ कम से कम 40 और 40 और कंट्री एक साथ आई, और जब 40 और कंट्री एक साथ आई तो आप देखोगे उस टाइम पीरियड पे ये 20 मार्च 2003 से 18 दिसंबर 2011 तक लगभग 8 महीने लगभग 9 महीने क्या कहते हैं इराक के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी गई थी। उस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे यहाँ पे सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट जो थी इराक के अंदर पूरी तरीके से राज कर रही थी। और इसमें दिक्कत वाली बात बस आप ये देखेंगे कि अमेरिका जो था, ऐसा कहा जा रहा था कि जब इराक ने कुवैत के तेल भंडारों के ऊपर कब्जा कर लिया था, मतलब उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था, तो कैप्चर करने के बाद प्रॉब्लम सामने ये आई थी कि अब यहाँ पे इराक जो है अपनी मनमर्जी के हिसाब से, लोग ऐसा मान रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से वो तेल, कच्चा तेल जो होता है जिससे पूरा नेशन चल रहा है, दूसरों कंट्री की अर्थव्यवस्थाएं चल रही है, वो इराक के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलता था। और क्या कहते हैं, इस वजह से इराक ने जो थे तेल के जो दाम थे, जो बैरल्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे कर दिए थे। तो इसीलिए हुआ क्या, इसीलिए हुआ ये कि इराक के अंदर इन्वेजन हुआ, इराक के अंदर इन्वेजन हुआ। और इराक के अंदर आप देखेंगे कि 19 मार्च 18 मार्च लगभग 19-20 मार्च से अमेरिका ने क्या कहते हैं अटैक करना चालू करा था। सद्दाम हुसैन की वहां पे गवर्नमेंट थी, और आप देखेंगे यहाँ पे इराक के अंदर उस टाइम पीरियड पे ये बस क्या कहते हैं रीजन दिया गया कि इराक, मतलब वैसे तो इराक जो था तेल महंगा कर रहा था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका को कोई ना कोई रीजन तो देना था। तो अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने ये कहा द पर्पस ऑफ द इन्वेजन वॉज टू प्रिवेंट द इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इराक के ऊपर हमला करने का मतलब बस इतना सा है, अमेरिका और यूएस के साथ जो 40 कंट्रियां मिली हुई है उनका मेन मकसद है कि जो इराक बड़े पैमाने पे बम बना रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने में बम बना रहा है, जबकि रियल में उनके पास ऐसा कुछ देखने को मिला भी नहीं था। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको बताइए कि यूएसए से वैसे भी कोई ज़्यादा कुछ फालतू बोल नहीं सकता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इराक के ऊपर हमला करने का रीज़न अमेरिका के द्वारा ये दिया गया कि वो WMD, दैट मीन्स ये पेपर के अंदर आता है जिसे आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, कहने का मतलब है बड़े पैमाने पर हथियार जो थे जो पूरे मानव जातियों को ख़त्म कर सकते थे, विनाश कर सकते थे, वो इराक बना रहा था। तो ये चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे बोली गई थी अमेरिका के द्वारा, जबकि अमेरिका का मेन पर्पस क्या था, अमेरिका का मेन पर्पस ये था कि उनके ऑयल फील्ड के ऊपर कंट्रोल करना और अपना क्या कहते हैं एक फ्रेंडली क्या कहते हैं गवर्नमेंट बनानी इराक के अंदर, एक अनुकूल शासन बनाना इराक के अंदर अमेरिका के लिए, ताकि इन फ्यूचर क्या होगा कि इन फ्यूचर अमेरिका को चीज़ें जो है सस्ते दामों में मिलती रहे। तो ये एक सीक्रेट और हिडन मैं कह सकता हूँ कि एक इन्होंने क्या कहते हैं अपनी रणनीति बनाई थी। और यहाँ से हुआ क्या, फिर आप देखेंगे जॉर्ज बुश जो उस समय पे क्या कहते हैं नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने बाद में ये देखा कि उस टाइम पीरियड में जब इराकी इन्वेजन हुआ तो उस टाइम पीरियड पे सही मायने में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया कि क्या कहते हैं इराक के पास इतनी बड़ी मात्रा में बम है, जबकि रियल में ये देखा जा रहा था कि अमेरिका जो है अपनी वहाँ पे खुद की गवर्नमेंट बना के और जो ये ऑयल भंडार है, तेल है, इनको
क्या कहते हैं कैप्चर करना चाहता था पूरी तरीके से, और अपनी मनमर्जी के हिसाब से उसको फ्यूचर में यूज करना चाहता था। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए हुआ ये कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इराक पर अमेरिकी आक्रमण एक सैन्य और राजनीतिक विफलता थी, क्योंकि लगभग 3,000 अमेरिकी सैनिक कर्मचारी खो गए थे और इराक भी पूरी तरीके से हताहत हो गया था। कहने का मतलब ये था कि जब इराक का ये इन्वेजन हुआ ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 40 कंट्रियाँ थी, 40 कंट्रियों में से अमेरिका की इतनी फोर्स गई, इसकी इतनी गई, इतनी इतनी सबकी सबकी थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं दिक्कत में आ गई थी सेना, उनकी भी डेथ हुई। और अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे लोग मारे गए, ठीक है ना। तो ये एक लॉस ऑफ लाइफ देख सकते हैं अमेरिका के लिए, कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ था 2003 से 2016 तक, यहाँ डेटा दे रखा है कि कितने कितने लोग कितने कितने समय में मारे गए थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फाइनली वहाँ पे हुआ क्या कि सद्दाम हुसैन को 2006 के अंदर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन जी, उनको पूरी तरीके से क्या कहते हैं एक वहाँ पे सजा सुनाई गई उन्हीं की कंट्री के अंदर अमेरिका के द्वारा, और फाइनली वहाँ पे इनको जाके फांसी दे दी गई। तो आप देख सकते हैं इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और बाद में इनको फांसी दे दी गई। और इस तरीके से हमारा इराकी इन्वेजन जो है, इराकी फ्रीडम जो है, वो इस ऑपरेशन की ओर दर्शाता है कि यहाँ पे भी अमेरिका ने जो है अपनी खुद की चलाई। अब क्योंकि चैप्टर का नाम यूएस हेजमनी है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो हमने इन ऑपरेशन के थ्रू ये जानने की कोशिश करी कि ऑपरेशन के थ्रू अमेरिका अपनी पावर को जो है कितना ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप हेजमनी शब्द यानी कि वर्चस्व का मीनिंग समझेंगे कि वर्चस्व अगल में होता क्या है। तो वर्चस्व का मतलब सिंपल और साधारण शब्दों में ये होता है जब आप प्री डोमिनेंस दिखाएं, प्री डोमिनेंस का मतलब चाहे इकोनॉमिक में, पॉलिटिक में, मिलिट्री में, अगर आप इन्हीं में अपने पूरे क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे में मिलिट्री ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, और इससे आप पूरे विश्व के ऊपर इसका इफेक्ट डाल रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द हिजमनी। आप देखते हैं कि अमेरिका की फिल्मों के अंदर भी कुछ जो फिल्में हैं उनमें भी दिखाने की कोशिश करा जाता है कि दे आर द सुपर नेशन, है ना, मतलब ये ऐसे हीरो हैं जो इनको कोई हरा ही नहीं सकता है। तो आप इन फिल्मों में भी आप देख सकते हैं ऐसा ही है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे ऐसे डोमिनेंट स्टेट यानी कि ऐसे डोमिनेंट कंट्रीज को हिजमनी की संज्ञा दी गई है। और आपकी बुक के अंदर इसकी शुरुआत बताई गई है कि अगर हिजमनी शब्द का इतिहास देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत ग्रीक की एक सिटी से हुई थी जो उस टाइम पीरियड पे एंथन और स्पार्टा, अगर आपने ग्रीक का इतिहास पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि ये ग्रीक है और यहाँ पे स्पार्टा है, ये दिख रहा है आपको, और ये एथन है। तो ये दो ऐसी प्लेस थी जिसका पूरे के पूरे उस टाइम पीरियड पे ग्रीक जो कंट्री आपको दिख रही है, तो वहाँ पे ग्रीस है, ग्रीक नहीं, ग्रीस है ये। तो वहाँ पे एंथन और स्पार्टा का बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंट चलता था, इनसे कोई जीत नहीं सकता था, इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये जो हेजमनी शब्द है इतिहास के अंदर वहाँ से आया। उसके बाद हमने ये देखा कि यूरोप के अंदर, यूरोप पूरा यूरोप है, यूरोप के अंदर शुरुआती समय में फ्रांस का क्या कहते हैं फ्रेंच लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल और बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है। इतने से इतने टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे इनसे भी कोई फालतू तो नहीं बोल सकता था। फ्रांस का भी एक अपना इतिहास है। दूसरा फिर अगर हम ब्रिटिशर्स का देखें तो ब्रिटिशर्स का 1860 से 1910 में आप देख सकते हैं जब इन लोगों ने दूसरी दूसरी कंट्रियों के अंदर कॉलोनी बनाई, जैसे हमारे भारत के अंदर इन लोगों ने कॉलोनी बनाई, तो समय समय पर सबका वर्चस्व बनता रहा, सबका वर्चस्व बनता रहा। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि अमेरिका भी जो था अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब अमेरिका जो है, अब आप देखेंगे कि 1990 के बाद, 1991 के बाद जब यूएसएसआर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो अमेरिका एक टॉप मोस्ट पावरफुल नेशन जाके बना। क्यों बना? क्योंकि आपको पता है कि कोलैप्स हो चुका था यूएसएसआर, और फिर पूरा का पूरा विश्व जो है यूनिपोलर हो चुका था, एक ध्रुवीय हो चुका था, और सुपर सिंगल सुपर पावरफुल नेशन जो था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका निकला। अब आपकी बुक के अंदर ये बताने की कोशिश करी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में अमेरिका का वर्चस्व की शुरुआत हुई, और आप देखेंगे 1991 के बाद अमेरिका जो था वर्ल्ड बैंक था, IMF था, उसके साथ क्या कहते हैं आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी चीज़ों के अंदर अमेरिका का इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेंस देखा गया, और सारी पॉलिसीज यहाँ पे अमेरिका के द्वारा ही बनाई जाती थी। इवन UN के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो UNO के अंदर भी अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे देखा गया। तो ये कार्टून इसलिए ही दिखाया गया है, तो ये पेपर के अंदर इसमें से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्टून वाली सीरीज हमने अपलोड की हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं।
अब यहाँ पे कठोर, अब आपकी बुक के अंदर दो ही टाइप की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के ऊपर एग्जामिनर ने आपके ऊपर फोकस किया हुआ है। हार्ड पावर समझेंगे और फिर सॉफ्ट पावर समझेंगे। हार्ड पावर में अमेरिका पूरी तरीके से अपनी मिलिट्री डोमिनेंस को दिखाता है, और मिलिट्री डोमिनेंस अमेरिका का ऐसा है जो एब्सोल्यूट पावर में आता है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब, कहने का मतलब ये है कि यूएस की मिलिट्री इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो किसी भी भारत, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के किसी भी जगह पे एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट टाइम, सटीक टाइम में पहुंच के निशाना लगा सकती है। तो ये उनका एक हार्ड पावर है, वो हार्ड पावर की ओर दिखाने की कोशिश करता है कि अमेरिका जो है किस तरीके से इतनी ज़्यादा सैन्य क्षमता में इतना ज़्यादा आगे है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व के अंदर रिलेटिव पावर में देखा जाए तो अमेरिका जो है वो क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ दूसरी और कंट्री के मुकाबले में बहुत आगे है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका 12 देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सैनिक मिलिट्री चीज़ों पे पैसा खर्चा करता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे 36%, अगर हम 12 कंट्री का भी जोड़ेंगे तो 12 कंट्री का भी जो आर्मी वाला होता है, मतलब कोई सरकार अपना जब बजट पेश करती है तो बजट में होता है ना हर साल कि हम आर्मी में इतना खर्च करेंगे, सिक्योरिटी में इतना खर्च करेंगे, एजुकेशन में इतना खर्च करेंगे, तो अगर आप और कंट्रियों को जोड़ लेंगे तो उसके कंपैरिजन में अमेरिका एक अकेला ऐसी कंट्री जो अपनी अपनी क्या कहते हैं मनी का सबसे ज़्यादा हिस्सा आर्मी के ऊपर क्या कहते हैं सिक्योरिटी के ऊपर या टेक्नोलॉजी जो है इनकी जो मिलिट्री को जो मजबूत कर सके उस पर खर्च करती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। इनको हालांकि दिक्कत तो हुई थी जब वो इराक के ऊपर कर रहे थे हमला, लेकिन इतना तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। अब स्ट्रक्चर की पावर के अंदर देखें अगर उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर के अंदर इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भी आप देखेंगे कि उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक इम्पॉर्टेंट जो है ग्लोबली एक इम्पॉर्टेंट भूमिका भी निभाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ ये वाला, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यूएस नेवी, जो नेवी है, जो पानी वाले लोग हैं, है ना, वहाँ पे भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है, इससे हमें इनकी क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल पावर भी समझ में आती है। इंटरनेट के लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे यूएस मिलिट्री द्वारा जो है इंटरनेट को इसको शुरुआती समय में डेवलप किया गया था, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे ग्लोबली देखा जाए तो इनकी सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट वो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है आज भी क्या कहते हैं अमेरिका की सैटेलाइट क्या कहते हैं हमें मिलती है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर पावर कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है ना। और GDP के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर उनका शेयर लगभग 21% है, वो देखा गया है कि 21% जो है वर्ल्ड की लेवल की इकोनॉमिक में शेयर करते हैं। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली। और फिर ये चीज़ है कि यहाँ पे अमेरिका जो है आप देख सकते हो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर 15% शेयर करता है, और अमेरिका फार्म्स इन द टॉप 3 लिस्ट ऑफ एवरी सेक्टर। अमेरिका के जो क्षेत्र हैं वो कम से कम क्या कहते हैं हर जगह पे तीसरे नंबर पे तो आते ही आते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और उसके साथ WTO, इनके अंदर कम से कम सबसे ज़्यादा रोल जो है वो अमेरिका का ही रहा है। तो ये एक हार्ड पावर है, स्ट्रक्चरल पावर है। फिर ये सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का वर्चस्व हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, है ना, ये सारी चीज़ें, आप टिकटॉक, ये सारी चीज़ें जो है हालांकि दूसरे और देशों की भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका की है। अब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल भी बनाया किसके द्वारा गया था, अमेरिका के द्वारा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि इनका हमारा कल्चर, जो हमारा कल्चर है उस पर भी पूरी तरीके से इनका कंट्रोल बनाया जा चुका है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अगर डेवलप होना है तो डेवलप होने के लिए आपको वेस्टर्नाइज होना ज़रूरी है। वेस्टर्नाइज मतलब जैसे कि अमेरिका और यूरोप की कंट्रियाँ हैं, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो सॉफ्ट पावर की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर आप अपनी लाइफ अच्छी करनी तो लोगों को ये मानना है कि यार अमेरिका जैसा होना ज़रूरी है। सो ये एक कहीं ना कहीं उनकी पावर की ओर दर्शाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी हमने इतना कवर किया है, अगले पार्ट में हम और कवर करेंगे जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, और आप जल्दी वीडियो के अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर आप हमारे साथ चैनल में जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इन सभी चीज़ों के साथ हमें फॉलो कर लीजिएगा। सो दिस इज़ इट इन दिस, एंड लेट मी मीट इन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।